और वहीं देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक होगी। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा करेंगे और साथ ही दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस भवन में बैठक करेंगे। तो कांग्रेस पूरी कोशिश कर रही है सत्ता पाने की, मिशन 2022 को लेकर पूरी तैयारियां दिख रही हैं। आपको बता दें दोपहर 12:30 बजे कांग्रेस भवन में बैठक करेंगे। तो हरीश रावत कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे और आने वाले वक्त में जो विधानसभा चुनाव है उसको लेकर तैयारियां हर तरफ दिख रही हैं। एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के साथ ये बैठक है, चुनाव को लेकर खास चर्चा होगी बैठक में। और अब बात करें अगर कांग्रेस को लेकर, तो कांग्रेस लगातार यही दावा कर रहे कि इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव को फतेह करके ही रहेंगे। फिलहाल तो तैयारियां हर जगह दिख रही हैं चुनाव को लेकर, लेकिन आखिर कौन इस मिशन को फतेह करेगा वो वक्त बताएगा। तो हर दल अपनी तैयारी कर रहा है, कांग्रेस की तरफ से तैयारियां, बीजेपी की तरफ से अपनी तैयारियां। सुरेंद्र ढाका हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए एक बार फिर से। सुरेंद्र, हर पार्टी तैयारी करती हुई दिखाई दे रही है, कांग्रेस की तरफ से भी कोशिशें पूरी हैं कि आने वाले वक्त में जो चुनाव हो रहे हैं उसमें जीत का परचम लहराया जाए। फिलहाल आज ये जो बैठक है इसको लेकर क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिल पा रही? देखिए कोमल, मैं आपको बता दूं, हरीश रावत को जब से चुनावी कैंपेन का अधिकारी बनाया गया है और तभी से कांग्रेस में ताकत देने की कोशिश हरीश रावत कर रहे हैं। जिस तरह 2017 में जो चुनाव हुआ था वो कांग्रेस में जो टूट, एक बड़ी टूट हुई थी, उस वो सिर्फ हरीश रावत को उसकी वजह माना गया था और यही वजह है कि अब हरीश रावत पुराने पूरे दमखम के साथ पार्टी की सत्ता में वापसी कराना चाहते हैं। तो हरीश रावत कई बार इस बात को कह भी चुके हैं कि जो कलंक उनके माथे पर लगा है वो उसे धोना चाहते हैं, जो कांग्रेस को टूटने की बात उनकी वजह से हुई है वो उसे तोड़ना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं अपने माथे से, उसे कलंक को मिटाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो हरीश रावत फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम कर रहे हैं। आज की अगर बात करें तो आज हरीश रावत कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक करने जा रहे हैं, इसमें एससी एसटी ओबीसी अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस भवन में वो बैठक करेंगे। 2022 का विधानसभा चुनाव होना है उसको लेकर ये बैठक होगी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरह 2022 के चुनाव के लिए लामबंद करना है वो इस रणनीति पर आज ये बैठक हो रही है। तमाम लोगों को आज कांग्रेस भवन बुलाया गया है, इन सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, नेता हैं, सबको बुलाया गया है। अब देखना यह है कि 2022 का जो चुनाव होगा, जिस तरह एंटी इनकम्बेंसी की बात हरीश रावत लगातार कह रहे हैं और हरीश रावत कोई भी मौका सरकार को घेरने का नहीं छोड़ रहे हैं, तो आप जाहिर सी बात है कि पूरी ताकत और जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो भी यात्राएं कर रहे हैं, प्रदेश में लोगों से संवाद कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। इसका कितना फायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस में जान फूंकने की कवायद फिलहाल हरीश रावत ने शुरू कर दी है। कुल मिलाकर अपनी सत्ता में वापसी किस तरह से की जाए, हर तरीके का मैप तैयार किया जा रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया सुरेंद्र तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon, never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.